अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस और विद डेफिनेशंस भी आज करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नेम बुक पे अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, के लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। ये मैं आपको आज बताती हूँ कि चैप्टर का जो है वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो अगर हम देखें कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, बेटा आपके पास, आपको मैंने ये बताया हुआ है कि इक्वेशन किसे कहते हैं। सिंपल अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लूँ और उसमें इक्वल का साइन यूज़ कर लूँ और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म लिख लूँ तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इक्वेशंस का तो हमें पता है कि इक्वेशंस क्या होती हैं, बट लीनियर का वर्ड लग गया है तो लीनियर का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो, मीन्स जिसके वेरिएबल की पार 1 हो, कोई पार नहीं लिखी, मीन्स वो 1 लिखी है, तो ऐसी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन कहते हो। इन इक्वेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उनमें इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा चैप्टर का नेम का जो हाफ पार्ट है उसको बताया है। अब अगर आप बुक देखो ना तो बुक पे पेज नंबर 130 निकालो और ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इंट्रोडक्शन जो ये वाला पैराग्राफ है थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा और इनफ इसको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको, ये लिखी हुई है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन। उसने कहा एक लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में ऐसी इक्वेशन होती है, जैसे कि वेरिएबल इसमें 2 यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको कहूँ एक इक्वेशन है इसमें टोटल कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कोई भी नंबर डाला हो, सिर्फ एक्स आ रहा है। तो उसने कहा ये जो डेफिनेशन है ये 1 वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 1 अननोन वेरिएबल आ रहा हो इज इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन होती है ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब वो ये कह रहा है ऐसी इक्वेशन जिसमें 1 अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसने इन जर्नल आपको ऐसे लिख के बताया है कि ये इसी फॉर्म की होगी आपके पास कि ए एक्स प्लस बी होगा इज इक्वल टू 0 के। हमने यहाँ 2x प्लस 1 लिखा था, उसने 2 और 1 की जगह जनरल ए बी यूज़ किए, कोई भी एनी नंबर ना, और साथ वो बता भी रहा है कि जो ए बी लिए जाएंगे ये बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर्स को, यानी वो आप रियल नंबर में से लोगे, ठीक है। साथ एक कंडीशन और लगाई हुई है एंड के साथ, वो कह रहा है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जैसे ये एक इक्वेशन है जो मैंने जनरल इक्वेशन ली है, इसमें मैं कहूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, बी की जगह मैंने 3 लिख दिया। अब आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि ये मैंने, उसने कहा ना ए 0 नहीं हो सकता, मैं कहूँ ए का मतलब फर्स्ट टर्म, इसको 0 ले लें, हम कोई और वैल्यू ली उसमें 0 लिख दिया इसको, 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, पीछे के बच गए सिर्फ 4। इसका मतलब कि आपने कभी भी x वेरिएबल, क्योंकि 1 अननोन वेरिएबल है, उसके साथ वाली टर्म 0 नहीं लेनी, क्योंकि अगर वो 0 लोगे वो x ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो x ही ख़त्म हो जाएगा तो आप जो डेफिनेशन है जिसमें वो कह रहा है इन 1 वेरिएबल, तो वो 1 वेरिएबल तो नज़र ही नहीं आया, तो इसलिए साथ उसने ये बात लिखी कि जो पहली वैल्यू है वो कभी 0 नहीं लेनी, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि अगर हमने पहली वैल्यू नहीं 0 लेनी, हम दूसरी 0 ले सकते हैं, देखे ना बी की जगह मैंने क्या लिखा 0, तो ओके है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें वेरिएबल वैल्यू इन 1 वेरिएबल चाहिए। अभी भी इसमें 1 वेरिएबल नज़र आ रहा है, अगर वो हम सेकंड वैल्यू को 0 भी कर देते हैं, बस कंडीशन फर्स्ट वैल्यू पे है। तो ये डेफिनेशन का प्रॉपर पार्ट लिखना है आपने, जब आप डेफिनेशन राइट करोगे तो सब बताना है कि जैसे बुक पे देखो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी डेफिनेशन लिखोगे देन आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब ये डेफिनेशन है और ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस का बता दिया कि चैप्टर का नेम है। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं इसकी बुक में सीक्वेंस आगे पीछे किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बुक से निकालें, इधर बुक की प्रिंटिंग नहीं ठीक हुई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक मिनट जी बेटा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें 7.1 का करने लगे हैं पार्ट नंबर 1, इसको रीड कर लीजिए, राइट कर लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, उन्होंने कहा है ये इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का।
आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है। अगर मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, मैं कहूँ 4x-2=2x, मैं कहूँ इसको सॉल्व करें, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन है, आप कहोगे मैं एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पर ले जाएँ और एक्स के बगैर वाली टर्म्स को एक साइड पर ले जाएँ। सिंपल सी बात है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओहो, इसको यहाँ 2x आना था, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था। अब बेटा क्वेश्चन तो इक्वेशन सॉल्व करने को ही कहेंगे, बट इक्वेशन जो है वो डिवाइड की फॉर्म में आ गई, तो हमने पहला काम क्या करना है, इनका ये डिवाइड खत्म करना है ताकि हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ जाए और मैं एक्स को एक साइड पे लेके जा सकूँ, बाकी वैल्यूज को एक साइड पे लेके जा सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन वही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी नीचे वाली अगर वैल्यू ख़त्म करनी है, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। नीड वर्क में लेना है, साइड पे आपने कैसे लेना है, 3, 2, 6 एलसीएम लें, 2 3s are और 3, ये एलसीएम क्या आया, 6। जो एलसीएम आएगा आपके पास, आपने क्या करना है, उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि ताकि ये नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पहला स्टेप क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना था, हमने देखा कि इक्वेशंस के नीचे भी कुछ लिखा जिसको हमें ख़त्म करना है, उसके लिए हमने उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ आपने पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार लिख दें या अलग अलग लिख दें, यानी सबके साथ आप लिख दोगे मल्टीप्लाई विद एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। मैं ऐसे करती हूँ, मैं सबके साथ लिखना है, सबके साथ अलग अलग 6 लिख देती हूँ। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ लिखा, पहली वैल्यू के साथ लिखा, माइनस दूसरी टर्म के साथ लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय, सब टर्म के साथ लिख देंगे आप। इसको सेपरेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, इसके साथ भी लिखना था 6 मल्टीप्लाई बाय x, और लास्ट टर्म रह गई है 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। कलर मार्कर यूज़ की ताकि आपको नज़र आए। सबके साथ मैंने जो एलसीएम आया वो लिख दिया। इसका क्या फ़ायदा होगा, नीचे वाली देखें ख़त्म हो गई सारी, वो ओवर ख़त्म हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 1s are 6, नीचे 1 1 हो गया। अब देखते रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ से 2 बचा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 के साथ, 2 2s are 4x बचा, 3 1s are -3x इज इक्वल टू, ये 6x एज इट इज रह गया, यहाँ पर रह गया आपके पास 1, ठीक है। अब देख लेते हैं x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, x के बगैर वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन सिंपल नहीं बन गया, देखिए वैसे ही क्वेश्चन बन गया। मैंने कहा कि मैं सारी x वाली टर्म को एक साइड पे रहने देती हूँ, इसको मैं यहाँ ले और इसको यहीं रहने दी। अब जरा इसको माइनस कर लें, 1x 6x -5x और 1, x की वैल्यू चाहिए, 5 यहाँ मल्टीप्लाई और x के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा विद साइन, ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व करना था, हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम से हर चीज को मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसको एक साइड पे ले जाओगे, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को और कॉन्स्टेंट वाली टर्म को। इन वन वेरिएबल है, सब में सिर्फ x यूज़ हो रहा है, हमने डेफिनेशन यही पढ़ी है इसकी, तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में चेकिंग भी करनी है। जब आप क्वेश्चन कर लोगे यहाँ तक कंप्लीट, आपने ऊपर हेडिंग देनी है चेकिंग, यानी चेक करने लोगे आप अपना क्वेश्चन कि क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है। चेक करने का मेथड क्या होता है कि आपके पास जो आंसर आया होता है आपने उसको क्वेश्चन में पुट करके देखना है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, आप कहते हो मेरा क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं आएंगे उसको मतलब आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। हम कहते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये माइनस आप नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, जहाँ मर्जी लिख लो, इसका मतलब होता है ये ओवरऑल वैल्यू के साथ, इसको मैंने पुट करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 2/3x की जगह क्या लिख दूँ, -1/5, फिर -1/2, एक्स की जगह क्या लिख दूँ, फिर क्या लिखें, इक्वल, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है देखें, x की जगह लिख दिया 1/5 + 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अपनी तरफ, राइट हैंड साइड को अपनी तरफ, इन दोनों के आंसर आ जाएंगे इक्वल। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ठीक है। अब इसको लेकर चलते हैं, इसको भी लेकर चलते हैं, इसमें तो 1 था, अब इन दोनों को सॉल्व करने का, इन दोनों को सॉल्व करने का क्या मेथड है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 6 का एलसीएम आप कैसे लोगे, ऐसे ही, थ्री टू 6, 6 5 30 एलसीएम आ गया।
अब एलसीएम कैसे लेते होते हैं इसका टेबल पढ़ते हैं जहाँ तक ये आ जाए। 5, 6 जार 30 जितने जार आता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ। 6 कितने जार 30 6 5 जार 30 6 5 जार 30 मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू लिख ली। इस साइड को नहीं सॉल्व करी, मैं इस साइड को लेके चल रही हूँ, ठीक है। 6 5 1 जार 5 ओवर 30 आंसर आ गया -1/30। एक साइड मैंने सॉल्व कर ली, ये भी आप ऐसे सॉल्व करोगे और नीचे आंसर आ जाएगा -1/30। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे रहने दिया, उनमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब कि ये वाकई हमारा आंसर इसका सोल्यूशन ही आया था। उन्होंने कहा ना सोल्यूशन निकालें, हमने सोल्यूशन निकाला और वेरीफाई किया। ये नीट वर्क का हिस्सा है आपका, आपने पहले सोल्यूशन फाइंड करना है फिर उसका जो है वो चेकिंग करनी है। नीचे लिख दिया हमने, कहा हमारा आंसर प्रूफ वेरीफाई हो गया, आपने लिखना है सोल्यूशन सेट, शॉर्ट फॉर्म सोल्यूशन सेट की। क्या सोल्यूशन सेट आया था? -1/5, यानी यही आंसर तो यही था बट हमने वेरीफाई करके बताया कि हाँ वाकई आंसर ये था। तो ठीक है, ये पूरा एक प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का। ये चीज़ आप चाहे रफ में साइड पे लिख लीजिए बट लिखनी लाजमी है और ये आपने एज इट इज़ नोट करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 आपने कर लिया है, अब पार्ट नंबर 2 खुद करना है। पार्ट नंबर 3 जो है वो मैं करवा देती हूँ। अब ये देखिए बेटा, पार्ट नंबर 3 मैंने मेंशन किया है, पार्ट नंबर 3 अगर आप कर लोगे तो आपको 2 भी ज़्यादा इजी लगेगा, 2 मैंने नहीं किया, वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। बिल्कुल वही काम है, पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करें ताकि पता चले एक्स एक साइड पे बाकी एक साइड पे। ऊपर हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले में भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी एलसीएम समझ नहीं आ रही क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स भी आ गई हैं, तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, जब सिंपल फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा देन हमने स्टेप एलसीएम वाला ही करना है, ठीक है। क्योंकि अभी ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद ही हमें एलसीएम की कुछ समझ आएगी कि आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या एलसीएम देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, अलग अलग दोनों के साथ ना, इसके नीचे भी लिख लिया इसके नीचे भी, इस स्टेप में सिर्फ क्या किया बेटा, इस स्टेप में मैंने आपके पास जो वैल्यू थी उसको अंदर मल्टीप्लाई की। अब इसका एलसीएम ना ले लें हम, ये देखें इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज है। 2 है जी, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ बल्कि किसी पेज पर ताकि आपको आइडिया रहे, आप लोग खुद लें साइड पर ज़रा, ये रफ पेज है इस पर लिख के दिखा रही हूँ। 2, 12, 3, 6, 6, 3 वो एक बार लिखा ना एक वैल्यू, इन सबको मिला के क्या एलसीएम बनेगा। 2 पे करते सबसे छोटी वैल्यू पे, जो बच्चे उसको बचा रहने दें, जो जिस पे होता होता है वो कर लिया करें। 2, 2, 3 जार 6, 3, 3 अब 3 पे होगा, यानी ये एलसीएम है। 2, 3 जार 6, 6, 2 जार 12 एलसीएम आया जनाब। अब इसका मतलब 12, 12, 12, 12, 12, 12 सबको 12 के साथ मल्टीप्लाई, तो लिख दें मल्टीप्लाई विद एलसीएम 12, साथ बता दें कि एलसीएम 12 से करें या नहीं बताएं। अब देखें जी, मैं सब 6 लिख दिया, 12 सबके साथ 12 लिखी जा रही हूँ, देखें इसके साथ भी 12 लिखा, इसके साथ भी 12 लिख दिया, इधर भी 12 मल्टीप्लाई करना ना सबके साथ, लिख दिया 12, इसके साथ भी 12 और ये थोड़ी जगह कम बच गई है, थोड़ा बाहर निकाल के लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सबके साथ क्या लिख लिया जी, 12 लिख दिया। आप देख लेते कटिंग कर लेते हैं, ये इससे कट गया, इसके साथ कुछ भी नहीं था, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बाकी क्या बचा, 6 जार 4 जार 2 जार 2 जार 4 जार, क्या बचा, 6x-12 4 2 जार 8 20 2 1 जार 2 4 3 जार 12 x। अब देखें बड़ा आसान लग रहा है, x वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, ये 12 इधर आ जाएगा और ऐसे करते हैं, इज इक्वल 20 ऑलरेडी था, 2 ऑलरेडी था, इसको जब यहाँ ले आई, इसको जब यहाँ इधर उधर लेके गए, अब ये देख लें 18x, ये x है ठीक है, 22 32 34 34 में से 8 निकाल लें, 14 में से 8 निकाल लें, 6 26
टू के टेबल पे कटिंग हो रही है, आंसर आ गया 13/9। ठीक है, काम वही किया, देखें इधर से एलसीएम मल्टीप्लाई किया, बस सिंप्लीफाई करना था हमारा काम, तो वो किया। अब इसके बाद आपने चेकिंग खुद कर लेनी है। चेकिंग क्या करनी है, इस आंसर को क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है दो जगह पे सिर्फ यहाँ और यहाँ रखना है, और इसको इस साइड को अपना हल करना है, इस साइड को अपना सॉल्व करना है, आपस में मिक्स नहीं करना चेकिंग में। चेकिंग में जो साइड जहाँ होती है वहीं रहती है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। उन्होंने कहा है सॉल्व करें इक्वेशंस को, ये इनके सॉल्यूशंस होंगे, उन्होंने आपको कंडीशन नहीं दी। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा ना, इसमें कंडीशन होगी इफ़ एनी हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक भी इसमें लिखा हुआ चेक करें, इसमें नहीं लिखा था फिर भी हमने चेक किया। पार्ट नंबर जो ये है ना इसका देखें, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इस 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, यानी इस साइड पर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी 6 और इसके साथ भी 6, सबके साथ 6 लिख दिया, एक स्टेप में 6 कट जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आपने उधर ऊपर नीचे कटिंग करके तो उसको सॉल्व कर देना, नहीं इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका जो काम है ना बेटा, मैंने 3 पार्ट ही करवाए, ज़्यादा तो नहीं करवाए, डेफिनेशन कर लेनी है, ये कर लेनी है। फातिमा सेक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 6 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई थी, तो वो ये बात बेटा ख्याल रखिएगा, उनके रिव्यू एक्सरसाइज के लिए पेजेस छोड़ दीजिएगा, जब आप कल आओगे तो उसमें से डिस्कशन कर लेंगे और साथ अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर जो मैंने आपको होमवर्क देना है, आप अपना होमवर्क नोट कर लें। एक तो आपकी जो डायरी है डेफिनेशन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेकर 5 तक ट्राई करके आने, जो नहीं होता छोड़ दें, जो होगा उसको कर लें। ठीक है, फर्स्ट 5 पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं, मैक्सिमम 3 तो होने चाहिए आपसे, 1, 2, 3, और साथ में एक एग्जांपल मैंने देनी थी आपको, एग्जांपल बहुत ज़रूरी होती है, साथ साथ रखा करें। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 होमवर्क है, पेज नंबर 131। ठीक है, ये भी होमवर्क है, तो आज के लिए इतना काम काफ़ी है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, पेज 131 और 131 पे जो एग्जांपल नंबर 1 और 2 है ये आपने होमवर्क करके, यानी सर आपको होमवर्क मैंने लिख दिया है। ज़्यादा लंबा काम नहीं है, क्वेश्चन थोड़े 1, 2, 3 ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे हैं तो कर सकते हैं, जो नहीं होंगे वो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।